यहाँ लाएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या अंदर आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होगा। देखे नहीं, अभी जब तक हम बोर नहीं डाले थे बेहतर ढंग से, तब तक वो लाइट ग्लो कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर कोर लगा दिए वो वोल्टेज बिल्कुल जीरो हो गया। देखे ना, लाइट में ड्रॉप करवाना है। और इस साइड में जो निकलेगा, हाँ, वो ऑटोमेटिक उसमें ट्रांसफर हो गया। 12 वोल्ट जो होगा, हाँ, तो उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है 12 वोल्ट में? नेगेटिव पॉजिटिव अभी नहीं होगा, अभी ये ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट एसी दे रहा है, एसी दे रहा है। ट्रांसफार्मर को हम एसी सप्लाई देंगे, वो बिना फ्रीक्वेंसी बदले एसी सप्लाई ही देगा। एसी दे रहा है, एसी नहीं दे रहा है। नहीं, डीसी हम उसको बाद में करेंगे। कंडीशन में मोटर का आप जब चेक करोगे रेजिस्टेंस, सर ने बताया जीरो आएगा, लेकिन जैसे ही उसको हमने चलाने की कोशिश की, कुछ वो फोर्स लगाएगा खींचने के लिए अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन को, उस चीज को, तो वो जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा उसे प्रतिरोधकता यानी आरसी डिनोट करते हैं। इसका साइन होता है, ये मल्टीमीटर पे देखे होंगे, ओम जार साइमन ओम ने इसको बताया था कि किसी भी चालक में यदि इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसमें कुछ अवरोध पैदा होते हैं जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। जार साइमन ओम, उन्हीं के नाम पे ही ओम पड़ा इसका। ये उसका 120 की लैग रहती है। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी ना जब ये यहां से होके जाएगी, तीनों में से जब ये साइकिल रिवर्स होगी तो एक कंडीशन आएगी जो यहां से कट के जाएगी। जब ये यहां पहुंचेगा, ये इधर कहीं रहेगा और ये इधर कहीं रहेगा, तो एक कंडीशन आएगी ना जब ये यहां पे रहेगा, तो उस कंडीशन में वो एक फेज, हाँ, एक फेज ड्रॉप होता है। इस जीरो पोजीशन पे एक फेज कभी ना कभी आएगा, एक सेकंड में ये तीनों है तो आएगा, 50 हर्ट्ज है, 50 बार आ जाएगा। Yeah. 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 Ye